अभी आप सभी लोगों ने अतीक अहमद और उनके भाई का लाइव टीवी पर मर्डर होते हुए देखा। इस बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सारी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में धारा 144 लागू कर दी गई। अब धारा 144 का क्या मतलब होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब 4 या उससे ज्यादा लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ये लगाई क्यों गई है? तो ये इसलिए लगाई जाती है कि अगर उस प्रदेश की सरकार को लगे कि किसी इंसिडेंट की वजह से और ज्यादा हिंसा भड़क सकती है और पूरी कानून व्यवस्था पर बात आ सकती है, तो धारा 144 को स्टेट में लगाया जाता है। अब बहुत सारे लोग इसको कर्फ्यू से कंफ्यूज करते हैं। कर्फ्यू इसका एक और बड़ा फॉर्म होता है। कर्फ्यू में किसी भी लोगों को, चाहे वो एक या दो लोग हो, बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती है और सिर्फ पुलिस को अनुमति मिलती है कि वो किसी को भी बाहर ना निकलने दें। इस केस में सिर्फ अगर आपको हॉस्पिटल जाना है या बैंकिंग जैसी इमरजेंसी सर्विसेज आपको अवेल करनी है तो ही आपको बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। कर्फ्यू जनरली तब लगाया जाता है जब पहले से ही कोई हिंसा भड़क चुकी हो या फिर कानून व्यवस्था को भंग करने वाली कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी हो। ऐसे ट्रेंडिंग इश्यूज को जानने के लिए फॉलो कीजिए और आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए।